हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चन 27 जून के हैं। जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास कॉर्पोरेट कोऑर्डिनेट पेट्रोल का पहला संस्करण भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाएगा और इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंधों को सुधारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ट्रायंगल ड्रग के दुरुपयोग और अवैध तस्करी की समस्या से संबंधित है। गोल्डन ट्रायंगल निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे दर्शाता है? तो इसमें आंसर आएगा गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस और थाईलैंड को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग पर एक विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की जमाओं वाले सभी शहरी सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया है। नए शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग पर एक विशेषज्ञ समिति YH मालेगम की अध्यक्षता में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा दुर्व्यवहार और अवैध तस्करी 2018 के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है? तो इसमें आंसर आएगा इसका विषय लिसन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सेशेल्स के लिए क्रेडिट पंक्ति लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा किया है, इस क्रेडिट की सीमा क्या है? तो इसमें आंसर आएगा इस क्रेडिट की सीमा है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में आने वाली है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र राज्य में। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और सऊदी अरामको के महाराष्ट्र में रत्नागिरी रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परियोजना में संयुक्त रूप से निवेश करने के समझौते पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हस्ताक्षर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा हाल ही में रत्नागिरी रिफाइनरी विकसित किए जाने के लिए भारत के साथ अनुबंध किया है? तो इसमें आंसर आएगा सऊदी आरामको। रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए 44 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और सऊदी आरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान नौसेना प्रमुख है? तो इसमें आंसर आएगा भारत का वर्तमान नौसेना प्रमुख है एडमिरल सुनील लांबा। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश के 6 दिवसीय दौरे पर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 25 जून को बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन बेसलाइन से अपने तट से निम्नलिखित में से कितने समुद्री मील या कितने नॉटिकल माइल तक फैला है? तो इसमें आंसर आएगा 200 नॉटिकल माइल्स तक। विशेष आर्थिक क्षेत्र सागर के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा निर्धारित एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें राज्य के पास समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के संबंध में विशेष अधिकार है। यह बेसलाइन से अपने तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने 3000 वन धन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, ये केंद्र निम्नलिखित मंत्रालय में से कौन से है? तो इसमें आंसर आएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर विकसित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा अगले महीने स्वदेशी निर्मित उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा पाकिस्तान द्वारा। और उपग्रह के सफल रूप से लॉन्च होने के बाद यह देश तकनीकी रूप से विकासशील देशों में शामिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख का क्या नाम है?
तो इसमें आंसर आएगा बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख है जनरल अजीज अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच घरेलू उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के मकसद से ईरान ने उद्योग, खनन और व्यापार मंत्रालय ने कितने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें आंसर आएगा 1339, 1339 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड्स 2018 में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा अनुपम खेर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भूमिगत पानी की कमी की जांच करने हेतु पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना शुरू की है? तो इसमें आंसर आएगा पानी बचाओ पैसे कमाओ योजना पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल्ट लेक विश्व कप विजेता दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो इसमें आंसर आएगा दीपिका कुमारी का संबंध आर्चर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड तुम्हारी सल्लू को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ कुल कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 6 समझौते पर, और ये 6 समझौते हैं शैक्षणिक एवं स्वरोजगार संबंधी समझौता, पणजी नगर निगम एवं सेशेल्स के बीच समझौता, साइबर सुरक्षा से संबंधित समझौता, संस्कृति के विनिमय से संबंधित समझौता, भारतीय नौसेना से शिपिंग सूचना संबंधित समझौता और विदेश मामले विभाग के बीच समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मैत्री स्तरीय आयोग की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसमें आंसर आएगा यह बैठक कैनबरा में आयोजित की गई और इसकी थीम थी भारत की विकास गाथा ऑस्ट्रेलिया के लिए अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ट्राइबल क्वीन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो इसमें आंसर आएगा ट्राइबल क्वीन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पल्लवी दुरुवा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी मूल की भारतीय अभिनेत्री को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स नामक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा इससे कल्कि कोचलिन को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन सागर रानी की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा ऑपरेशन सागर रानी की शुरुआत केरल राज्य द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारागृह में महिलाएं नामक रिपोर्ट जारी की गई? तो इसमें आंसर आएगा कारागृह में महिलाएं नामक रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंटरविंड लिव्ड पीएन हक्सर एंड इंदिरा गांधी के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा इस पुस्तक के लेखक हैं जयराम रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पाइक मिसाइल खरीदने हेतु 500 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा इजराइल के साथ। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, मात्र 12 साल 10 माह और 13 दिन की आयु में दुनिया के दूसरे सबसे छोटे ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास किसने रचा? आपके ऑप्शंस है आर प्रज्ञानंद, एम कुमार, आर माधवन, आर कुमार। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए।
अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।